नहीं नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से बिहार क्यों प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश में हमारी एक मजबूत सरकार रही है, हम सब ने अच्छे काम किए हैं और हमारा वहाँ का गठबंधन का के स्वरूप में अगर ये सारे दल जिसकी चर्चा आप किए हैं वो अगर वो शामिल चुनाव के पूर्व में हम सब साथ मिलकर निर्णय लेते तो आपका यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य था, लेकिन अभी कोई प्रश्न पूछने का कोई औचित्य था। बिहार विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटों को जीतेंगे। कल किस संदर्भ में मेरा कहना है कि वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव भी नहीं लड़े हैं, हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है क्योंकि हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हम सबों ने जब विगत जो चुनाव आम चुनाव हुआ तो उसमें 11 सीटें हम सबों ने आपस में समझौता करके उनको दी थी। उन्होंने कहा भीख नहीं दिए हैं, डील हुई थी गठबंधन नहीं, ठीक है गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है, हम सब आपस में आप एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। उस काम को हम सब निश्चित तौर पर देखिए ये जो हमारी कल की बैठक है तो नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठक होती है जहां पार्टी और सरकार और बिहार राजनीतिक स्थिति इन सारे मुद्दों पर तो कोर कमेटी बैठती रही है और चर्चा करती रही है जिससे हम बेहतर ढंग से बिहार में हम सरकार में भी हैं और बिहार में बिहार विधानसभा में सबसे बड़े पक्ष के मतलब सत्ता पक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में है तो बिहार कैसे चलेगा, बिहार की सरकार कैसे चलेगी जिन मुद्दों पर हम सबों ने लगातार बीच के एक दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो विगत 2005 से हम सब सरकार में साथ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार के सारे मुद्दों पर जिस बेहतर बिहार और विकसित बिहार की हम सबों ने जो एक लक्ष्य रखा है। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।